नया IBN 7 हौसला है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे पर भारत की निगाहें भी लगी हुई हैं। दरअसल चीन में एक कहावत है कि दुश्मन का कत्ल उधार के चाकू से करना चाहिए। भारत के खिलाफ उधार का यह चाकू पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से पाक अधिकृत कश्मीर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने और पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देने की चीनी मंशा के पीछे है नापाक चाल। ड्रैगन का ये षड्यंत्र भारत के लिए कैसे खतरा बन सकता है, इसी पर पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। ये षड्यंत्र बहुत खतरनाक है। इसमें मोहरों की भरमार है, साजिशों का चक्रव्यूह है और नतीजे बहुत खौफनाक हैं, क्योंकि निशाने पर है हिंदुस्तान। निशाना ड्रैगन का है, जो साजिशों की आग से हिंदुस्तान को झुलसाना चाहता है। चीन की साजिश का सबसे बड़ा मोहरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान हर वक्त भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, भारत के दुश्मनों के साथ नापाक गठजोड़ बनाता है, इसलिए चीन ने उससे हाथ मिला लिया है। वो एक खतरनाक चक्रव्यूह रच रहा है। दरअसल 62 की जंग की वजह से दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। भरोसे की कमी को मोहरों के जरिए भारत को घेरने की चीनी कोशिश और भी गहरा कर देती है। चीन के हर कदम के पीछे छुपी चाल भारत को कदम कदम पर हैरान कर देती है। पीओके के पास चीनी हवाई अड्डा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सटे अपने शहर ताशकुरगन में चीन बना रहा है एयरपोर्ट। बहाना विकास का है, लेकिन सरहद के पास एयरपोर्ट से चीन की फौजी ताकत बढ़ जाएगी। भारत की नाक के नीचे से पाकिस्तान जाने का रास्ता खुल जाएगा। माउंट एवरेस्ट के नीचे चीनी सुरंग, चीन की मंशा माउंट एवरेस्ट के नीचे सुरंग बनाने की भी है, ताकि तिब्बत जाने वाली अपनी रेलवे लाइन से वो नेपाल पहुंच सके। इससे नेपाल में आर्थिक और फौजी नजरिए से चीन को भारत पर बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। पाकिस्तान में चीनी बंदरगाह, पाकिस्तान के ग्वादर में चीन बंदरगाह बना रहा है। अरब सागर में ये उसकी बड़ी रणनीतिक जीत है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जंग के हालात में चीन ग्वादर को नौसैनिक अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। ग्वादर की छलांग से चीन अरब और अपने बीच मौजूद भारत को पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जरिए अपनी जमीन तक सड़क के रास्ते से तेल और साजो सामान पहुंचाने का रणनीतिक दरवाजा खोल चुका है। पाकिस्तान को चीनी हथियारों का तोहफा, चीन पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। बड़े फौजी साजो सामान का इस्तेमाल पाकिस्तान किसके खिलाफ करता है, ये भी छुपा नहीं है। चीनी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान हो सकता है पाकिस्तान को 8 चीनी पनडुब्बी देने का सौदा। चीन की इन पनडुब्बियों से पाकिस्तान को समंदर के भीतर से परमाणु मिसाइलें लॉन्च करने की ताकत मिल सकती है, जो जंग के हालात में भारत के लिए बन सकती है बहुत बड़ा खतरा। चीन हर वक्त भारत की गर्दन पर पाकिस्तान नाम की तलवार लटकाए रखना चाहता है। इस तलवार को वो आर्थिक और फौजी समझौतों से धारदार बना रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की पाकिस्तान यात्रा का ये अहम पहलू है। माना जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन पाकिस्तान में करीब $50 अरब के भारी भरकम निवेश का ऐलान कर सकता है। शी जिनफिंग 主席的这次访问还将进一步深化 भारत को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से कोई एतराज नहीं है।
लेकिन भारत दोस्ती मजबूत करने के नाम पर हो रही साजिशों की तरफ से आंखें नहीं मूंद सकता।